हर इंसान चाहता है कि उसका एक सुंदर सा घर हो जिसमें वो अपने परिवार के साथ अपना जीवन हंसते खेलते बिताए। एक मजबूत घर जिसकी छत के नीचे वो सुकून की नींद सो सके। एक मजबूत घर को बनाने के लिए लगती है मजबूत दीवार, और एक मजबूत दीवार मजबूत ईंटों से बनती है। तो आखिर ये ईंटें इतनी मजबूत बनती कैसे है? नागपुर से 9 किलोमीटर पूर्व की ओर पारडी शहर के भरतवाड़ा में ईंटों की एक भट्टी है जहां ईंटें हाथ से बनाई जाती है। यहां अलग अलग ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ अपना ईंटों का भट्टा चलाते हैं। ये मजदूर गोंदिया, भंडारा और महाराष्ट्र के अन्य गांवों से यहां लाए जाते हैं। यहां कुल मिलाकर 2 से 2500 मजदूर है जो अपने अपने ईटा भट्टा मालिकों के साथ यहाँ काम करते हैं। ये मजदूर अपने गांव से दूर यहाँ इन छोटे छोटे घरों में रहते हैं। ये घर इन्हें भट्टा मालिकों के द्वारा दिया जाता है। ये ईट और कबेलू के घर इन मजदूरों को भट्टी से जितना हो सके उतना नजदीक दिया जाता है। ये मजदूर यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए लाए जाते हैं, क्योंकि ईंट बनाने का काम दिसंबर से मई महीने के बीच में ही किया जाता है। बारिश में ये काम बंद हो जाता है। इनकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान भट्टा मालिक रखते हैं, जैसे कि बिजली, पानी इत्यादि सामान भट्टा मालिकों के तरफ से दिया जाता है। हम 4 बजे उठते हैं रात में, सुबह करते हैं, ठीक है। 4 बजे से उठते हैं, फिर अपनी थपाई धुपाई होती है, अपनी ईटे बनाते हैं, उसके बाद हम खाना वाना बनाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर और घोला घोड़ते हैं। घोला ने अपने मट्टी का नहीं क्या, फिर मट्टी गारे मारते हैं, फिर और गारा बनाते हैं। ईट बनाने के लिए सबसे पहले जमीन को अच्छी तरह साफ किया जाता है। छोटे बड़े कंकर पत्थर हो या घास को हटाकर जमीन एक बराबर की जाती है। जमीन का एक बराबर होना बहुत जरूरी होता है, वरना ईंट छपाई के वक्त वो ईंट का आकार बिगाड़ सकती है। ईंट बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पास की पावर प्लांट से लाई गई राख मिलाई जाती है। मट्टी और राख को एक हाथ से बनी हुई टंकी में डालते हैं, जिसके बाद उसमें पानी डाल के उसे अच्छी तरह से मिलाया जाता है ताकि वो चिकनी हो जाए और उससे ईंट अच्छी तरह से बन सके। ये लोग मट्टी को पांव की सहायता से मिलाते हैं ताकि वो मुलायम हो जाए और ईंट बनाने में कोई दिक्कत ना आए। अगर उसमें कोई कंकड़ पत्थर रह जाता है तो वो ईंट की शक्ल बिगाड़ सकता है। कुछ देर मट्टी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद वो कुछ इस प्रकार तैयार हो जाती है। ये मजदूर इस चिकनी मट्टी को हाथ गाड़ी पे लोड करते हैं और फिर इन्हें साफ की गई सतह पर ले जाते हैं और वहां शुरू होता है ईंट छपाई का काम। सबसे पहले मिट्टी का बड़ा बड़ा गोला बनाया जाता है, जिसे हल्की हल्की राख लगाई जाती है ताकि वो ईंटे के सांचे में चिपके ना। फिर उस मिट्टी के गोले को ईंटे के सांचे में डाला जाता है और उसे अच्छी तरह से दबाया जाता है ताकि वो टाइट हो जाए
और फिर उसे पलट दिया जाता है और फिर यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ये जो है तुम्हारी ईट है और इसकी इसमें पूरा फॉर्मेट के प्ले पत्थर मिला जाती है और इसमें फिनिशिंग तो नहीं आती है इतनी खास, लेकिन मजबूती भरपूर आती है। यहाँ मर्द और औरत एक साथ ईट बनाते हैं। यहाँ इन्हें हफ्ते में पगार दी जाती है। यहाँ औसतन एक दिन में 4,500 से 5,000 ईट तैयार होती है। ईट बनाते वक्त तो इन्हें कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मगर बिन मौसम बरसात इनकी मुसीबतें कुछ बढ़ा देती है। तो पानी के कारण बहुत सा नुकसान होता है, कम से कम मेरा अभी 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया एक ही पानी में। और ऐसा हर समय कोई भी समय पानी आ जाता है तो बहुत नुकसान होती है, और कुछ कुछ चीज़ें लेबरों पे भी बहुत, तो उनके मेहनत जो करते हैं उन पे भी बहुत प्रेशराइज हो जाता है, हमारे पे भी हो जाता है कि हमको अगर वो काम करे ना करे फिर भी उनको पैसे देना ही हफ्ते का और उनको रखना ही है, क्योंकि अपने अपने नागपुर के ही नहीं, गोंदिया भंडार अपने पूरे महाराष्ट्र के आते लेबर हमारे भरोसे कि भाई यहाँ काम करेंगे पैसा मिलेगा, उस हिसाब से वो आते हैं। और कुछ पानी आता है कुछ आता है उसके ऊपर में बहुत तो नुकसान हो जाता है, फिर अब वो भी कुछ चीज़ें झेल लेते हैं, हम भी कुछ एकमेक का सपोर्ट कर लेते हैं। बारिश से ना सिर्फ भट्टा मालिकों का नुकसान होता है बल्कि इन लेबरों को भी कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। खराब हो गए ईंटों को ये फिर से दोबारा उसी प्रक्रिया से दोहराते हैं जिस प्रकार उन्होंने पहले ईंट बनाई थी। खराब हो गए ईंटों को फिर से इकट्ठा करके उसमें पानी डालते हैं और उन्हें पहले की प्रक्रिया से फिर से गुजारते हैं। पहले की तरह ही इसको पांव से कुचला जाता है और फिर से पहले की तरह ही चिकना और मुलायम बनाया जाता है। दोबारा इन मिट्टी के बड़े बड़े गोले बनाए जाते हैं जिन्हें ईंटों के सांचे में डालकर अच्छी तरह से टाइट दबाया जाता है और फिर इन्हें पलटकर एक एक लाइन में लगा दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराते हुए ये लोग एक दिन में 4,500 से करीबन 5,000 तक ईंटें बनाते हैं। ईंटों की छपाई के बाद इन ईंटों को अच्छी धूप में करीबन 1 से 2 दिन तक के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये ईंटें भट्टी में डालने के बाद टूट ना जाएं। ईंट सूख जाने के बाद एक आदमी इन ईंटों की गिनती कर उन्हें लाइन से लगाता है और उन्हें भट्टी में ले जाने के लिए तैयार करता है। भट्टी में करीबन एक बार में 40 से 45 हज़ार ईंटों को एक साथ पकाया जाता है। फिर हमने यहाँ के ईटा भट्टी मालक से ये जानने की कोशिश करी कि आखिर चिमनी भट्टी में और इन हाथ भट्टियों में क्या फर्क होता है। ये जो चिमनी भट्टी जो रहती है, राउंड भट्टा रहता है, इसको कोंडे से धान के इससे लकड़ी से पकाया जाता है और इसको अदर कोई भी चीज़ें इसमें यूज कर सकते हैं पकाने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पकाने के लिए इतना ये नहीं लगता है कि अपना कोयला हो गया या भूसा हो गया कुछ भी हो गया कोई भी चीज़ से इसको पकाया जाता है, क्योंकि इसमें लकड़ इसमें मिक्स रहती है पावर प्लांट की, तो इसमें जल्दी से पकड़ लेता है तो जल्द से जल्द पकाने में बहुत सी ये हो जाती है। इसमें भट्टी में ईंटे को करीबन 8 दिन तक पकाया जाता है और लगभग उतना ही दिन इसे ठंडा होने में भी लगता है। इस प्रकार से यहाँ ईटा तैयार किया जाता है। अगर एक ईटे को देखें तो लगभग इसके पीछे 8 से 12 दिन की मेहनत लगती है। भट्टी से इन ईटों को गाड़ियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, लेकिन पहले के जमाने में इसका साधन कुछ और ही हुआ करता था। और पहले हमारे पास में गधे रहा करते थे, गधे के हिसाब से हम लेके जाते थे, पर लेकिन अभी जनरेशन के हिसाब से नागपुर सिटी में वो हिसाब से अभी गाड़ियों का ये आया है कि गाड़ियाँ यूज करो कि गधे से प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, कि ये हो रही है वो हो रही है, बहुत से कंप्लेंट आती थी।